नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड अंतर्गत गोपीनाथपुर दोकरा पंचायत से, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी सूर्यदेव प्रसाद जी। यह सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं। दर्शकों को बता दें, किसान हैं, बेहतर किसान हैं, और इनके परिवार से इस बार इस पंचायत में मुखिया के प्रत्याशी के रूप में संभावना है कि आएंगी, और उनका नाम है मीना देवी जी। और आज जो हम दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि इस पंचायत की स्थिति, जो यहाँ पर विकास है, 20 वर्षों में जो काम हुआ पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, इनकी नज़र में कैसा हुआ या इनकी क्या योजना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अब दर्शकों को ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप नज़र बना के रखें, और जो ये बात कह रहे हैं अपने अपने विचारों को भी ज़रूर इसमें सम्मिलित करते हुए कमेंट करें कि कैसा लग रहा है आपको। सूर्यदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 20 वर्ष जो पंचायती राज व्यवस्था में काम जो हुआ है विकास को लेकर, कितना संतुष्ट हैं आप उस विकास से? संतुष्ट नहीं है। तो एक बात बताइए, इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ है, आप जानकारी रखते होंगे जी, कितना होगा आपके अंदाज में खर्चा इस पंचायत के विकास को लेकर? कितना दिन में? 20 साल में? 20 साल। 20 साल में हम समझते हैं कि 40-50 करोड़ से कम नहीं हुआ। तो आप ही की जानकारी के में हम जानना चाह रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट है जो कि कोई भी दर्शक अब देख सकते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है कि सरकार कितना पैसा भेज रही है, मनरेगा में कितना खर्चा हुआ या 14वें वित्त में कितना खर्चा हुआ या अन्य जो भी योजनाएँ आती रही है उसमें कितना खर्च हुआ है, सारा कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, आप देख सकते हैं आप भी। तो एक आंकड़ा बताया जो इन्होंने, उस हिसाब से इतना रुपया इस पंचायत को आया विकास को लेकर, और ये असंतुष्ट हैं, तो बताइए कि कैसे काम होगा। अच्छा, एक बात हम आप ही से जानना चाहेंगे कि आप जो असंतुष्ट हैं तो अपने स्तर से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कहें या एक सजग नागरिक के रूप में कहें, क्या कुछ किया है आपने कि बेहतर विकास हो या उस तरह से भ्रष्टाचार हो तो नहीं हो पाए, ऐसा वाले का क्या कुछ? कोशिश मैंने किया, उनको सलाह भी दिया, लेकिन शुरू से वह हमारी बात को नकारते रहे। ऐसे वो पारिवारिक रिश्ता तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक रिश्ता जो है वह राय नहीं लेते हैं, अपने समझ से जो अपने जो आता है करते हैं। 2-3 कार्यकर्ताओं का उनका टीम है जो उनके अपने परिवार का है, बाद भाई कोई है नहीं बाहर का। सूर्य जी, एक बात बताएं, हम एक प्रतिनिधि के बारे में आप कह सकते हैं गड़बड़ हो जाए, क्योंकि अब तो देख ही रहे हैं कि विकास में जो 7 निश्चय योजना है, वार्ड स्तर पर भी लोग, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है और बहुत सारे लोग हैं, पंचायत समिति है उसको निगरानी को लेकर है, जिला परिषद है। तो क्या लगता है कि इस पंचायत के जो विकास की स्थिति है इसमें कोई लोगों की सक्रिय भूमिका नहीं रही क्या, कोई सहयोग नहीं कर पाए क्या सही तरीके से? अभी तक तो लोग नहीं कर पाए हैं, या तो फिर करते हैं तो कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में काम तो ग्राउंड पे आता है, लेकिन आता है तो काम है आपका, या कोई भी विकास का काम हो, मनरेगा हो या कोई हो, तो 25% आता है, 75% तो ऑलरेडी जो है बंदरवाट हो जाता है, तो 25% ही दिखाई देगा, तो उसमें कहाँ काम संभव है। अच्छा, चलिए, आपने कहा जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं किए या विकास नहीं हुआ, तो क्या जनता जागरूक नहीं है आपके पंचायत की? जनता जो, देखिए, जनता जागरूक है, लेकिन जनता को सिर्फ चाहिए, मान ली कभी आ गया ये क्या कहते हैं, राहत कुछ से जो आया, किसी को 6,000 मिल गया, तो जनता तो 6,000, 2,000, 1,000, 400 पेंशन जनता को जी। जनता जागरूक है इसलिए नहीं है कि जनता को क्या, जनता को तो उतना इंटरेस्ट है नहीं, आ गया थोड़ा मोड़ा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है तो हो गया, ठीक, बाद बाकी जनता को इतना फुर्सत भी नहीं सब देखने के लिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, आपने जो पहले भी बात बताई है और हम आप ही से माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जनता 400 लेकर खुश है
और करोड़ों करोड़ों रुपये आपके पंचायत में आ रहा है, वो आदमी गायब कर दे रहा है, मतलब वो भ्रष्टाचार का शिकार हो जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि कितना फायदा में है जनता? कोई फायदा में नहीं जनता, जनता कहाँ फायदा में है, जनता तो वही है, जनता का पैसा लेके ना लोग सब उड़ा रहे हैं मजा। कोई भी नेता जनता का पैसा लेकर उड़ाता है ना मजा, कोई भी नेता। आम सभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आम सभा होता है आपके यहाँ कि नहीं होता है? आम सभा पेपर पे होता है, ग्राउंड में नहीं होता। 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब 2 अक्टूबर ये सब में नहीं होता है? बस कोई कुछ नहीं होता है, उसी दिन 2-3 रजिस्टर रहता है, एक 15 फेस्टिवल का मना रहे हैं उस पर साइन करा लिए, बाद बाकी 2 पर करा लिए, हो गया। अच्छा, जलेबी भी खिलाते हैं? बस जलेबी खिला दिए, या उसमें नमकीन रख दिए, या थोड़ा अच्छा हुआ तो रसगुल्ला के रख दिए। आम सभा भी हो गया उसी में, और सारी योजना उसी से निकल के बाहर हो गया, सारा सब उसी में हो गया। आवाज़ नहीं उठाता है कोई लोग आपके यहाँ? आम जनता देखिए, ये गरीब देहात की जनता, गरीब जनता उतना इंटरेस्ट है नहीं पॉलिटिक्स में। उस साल में 2-3 दिन खिला दिए, फगुआ के दिन 50 किलो मीट खसिया कटवा दिए, उसी में खुश है कि चलो कोई इज्जत मिल गया। चलिए, तो ये तो बात हो गई, यहाँ पर दर्शकों ने सुना किशोरी देव जी ने क्या कुछ बात कही, लेकिन मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा, जो पैसे या वो आपको राहत में मिल रहे हैं या आपके यहाँ विकास के पैसे आ रहे हैं, किसी भी माध्यम से योजना लेकर के सरकार आ रही, तो पैसे आपके हैं, कहीं ऐसी बात नहीं है कि मशीन से छाप कर पैसा निकाल कर और लोगों को बांट दिया जा रहा है, नहीं। आप जो मेहनत करते हैं, आप जिस तरह से सरकार को टैक्स देते हैं, और सिर्फ सरकार के वो लोग ही टैक्स नहीं, मतलब आपने जो सामान खरीदा है, आपने जो कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो हर जगह पर जो GST लगता है उससे भी सरकार को पैसे जाते हैं, बिजली जलाते हैं उससे भी पैसे जाते हैं, पेट्रोल के माध्यम से भी पैसे जाते हैं, डीजल से भी पैसे जाते हैं, तो हर एक व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और इसी को लेकर के पूरी जो सिस्टम है, पूरी प्रक्रिया है वो चलती है, तो आपका पैसा है, तो इस पर ध्यान रखें। सिर्फ वो 400 पर ही आपका अधिकार नहीं है, चलिए 400 जो आपको मिल रहा है पेंशन योजना के अंतर्गत, तो वो आपका अधिकार है क्योंकि आप उसके कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप सरकार की योजना है, उस पर ध्यान रखें। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार आपके परिवार से उम्मीदवार हैं, तो इस बार क्या सोचे हैं आप लोग, या वही रहेगा कि कुछ बदलेगा? क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। क्या बदलने की आपके सवाल में समझ नहीं? सरकार की जो व्यवस्था है, जो यहाँ योजनाएं आ रही है, तो आपने कहा जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं होने से विकास नहीं हुआ, इस बार क्या विकास हो पाएगा? आप जो अगर लोग आपको सहयोग करें, आपको लोग विश्वास करें आप पर, तो क्या कुछ प्लानिंग है आपके? जनता का विश्वास है, जनता का डिमांड है, तभी हम चुनाव में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था उतरने का, ऐसे भी हम लोग नॉन पॉलिटिकल से हम ज़्यादा दूर रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन जनता के दबाव में ही हमें प्रोटेक्ट किया है। चलिए, तो इस बार आपकी तैयारी पूरी एकदम है कि इस बार बदल के रखेंगे पंचायत? चुनाव लड़ना है, इसमें तैयारी, मारपीट थोड़े करना है, तैयारी करना है, कोनो को पैसा थोड़े बहाना है, 10 साल तो है नहीं कि हम कहेंगे पैसे बहाने की बात आएगी तो हम फेल कर जाएंगे, वोट खरीदने की बात आएगी तो फेल कर जाएंगे, यदि मेरा जनता चाह के हम वोट बेचेंगे तो वहाँ तो मैं फेल हो जाऊँगा, नहीं, जनता जो जिस उम्मीद से लड़ाया है। कार्य योजना कम से कम बताइए हमारे दर्शकों को कि हाँ इस तरह से विकास होगा, किन किन मुद्दों पर आप ध्यान रखेंगे इस बार अगर आप आते हैं चुनाव में? तो कोई भी प्रोग्राम हमको, कोई भी योजना मिलेगा, जैसे मनरेगा हुआ, चतुर्थ हुआ, पंचम हुआ, जो भी आएगा उसको मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पहुँच पाए, कम से कम। मैं ये नहीं कहूँगा कि जीरो हो जाएगा, जीरो होने का नहीं है व्यवस्था, ये इस सरकार से जीरो होने का नहीं है, चूँकि नहीं होगा जीरो, कम से कम नुकसान करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, यही प्रयास होगा मेरा, और क्या। चलिए, बड़ी ईमानदारी से अब दर्शकों ने देखा कि इन्होंने अपनी बात रखी है, और आप कमेंट करें, चूँकि आप भी सरैया क्षेत्र से जुड़े हैं, हमारे दर्शक बहुत सारे, तो आप देखें सोचें समझें, और इन्होंने जो बात कही आपको कितना बेहतर लगा है कमेंट कर जरूर बताएं, अगर कोई और प्रश्न हो आपको तब भी पूछें, फिर हम इनसे आकर पूछ कर आप तक जवाब लेकर आएंगे, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा सजग रहें, और जो वोट है उसका जो अधिकार आपको दिया गया है, बड़ा सोच कर समझ कर दिया गया है, तो अपने वोट का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें, बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें, अगर इनके परिवार से जो आ रहे हैं वो बेहतर हैं उनका चयन करें, नहीं तो आपके विचार में जो बेहतर लगे उनको चयन करें। आखिरी में, अभी कोरोना की वैश्विक महामारी चल ही रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि उससे बच कर रहें? कोरोना में संदेश देना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें लोग, और कोरोना के चलते ही यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम होने जा रहा है, पंचायत चुनाव संभवतः टल भी सकता है, सरकार को कोई अध्यादेश भी लाना पड़ सकता है, तो जो सरकार इतना चाह रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचे, जिस ढंग का मिल रहा है ये रास्ता दिखाया जा रहा है उस पर लोग अमल करें, बचे, यही है, चेन को तोड़े, हम कहते भी हैं लोगों से कि चेन को तोड़े। तो
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब रहेंगे तब ये चुनाव भी होगा, कोई मुखिया भी होगा या कोई प्रतिनिधि होगा, तब ना रहेंगे तो क्या होगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे और आशा रखते हैं कि आपको ये कार्यक्रम बेहतर लगा होगा। अपना कमेंट जरूर करें, आगे भी ऐसी खबर को लाएं और हम समाज की बेहतरी के लिए काम करें, यही हमारी हमारी पूरी टीम की शुभकामना रहती है, इसी पर हम लोग काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।